छत्तीसगढ़ के जम्मो खबर ला देखे बर देखत रहो आरजे न्यूज और हमर चैनल ला सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाए बर झन भुलाहु। हर चले सिविस मुंगेली से एक बार फिर से बड़ी खबर सामने आ रही। सरगांव के मर्रा कोना गांव में सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान नगर पंचायत सरगांव के कर्मचारी सहित चार लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि घरेली गैस से इन चारों की मौत हुई है। प्रशासनिक अमला अपने टीम के साथ मौके पर जेसीबी की मदद से शव को निकालने में जुटा है। ये बड़ी खबर दे रहे हैं आपको। जहरीली गैस से चार लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, जिसके बाद प्रशासनिक अमला अपने टीम के साथ जेसीबी की मदद से शव को निकालने में जुट गया। चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नीलकमल सिंह ठाकुर जुड़े हैं। नील जी, एक बार फिर से एक बड़ा हादसा सामने आ रहा है मुंगेली से। जी, क्योंकि दुखद खबर है, क्योंकि जिस तरह से चार लोगों की सेप्टिक टैंक से जहरीली गैस रिसाव से चार लोगों की मौत हो गई है, क्योंकि फर्स्ट ये है कि जिस मराठवाड़ा गांव में सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए नगर पंचायत के कर्मचारी को बुलाया गया था और वो आया था सफाई करने के लिए, लेकिन वो जहरीली गैस की चपेट में आने से वो उनकी मौत हो गया। उनको बचाने के लिए तीन लोग थे जो परिवार गए थे, वो लोग उसको बचाने के लिए उसके पास गए, तो वो लोग भी चपेट में आकर चारों सेप्टिक टैंक में मौत हो गई है। वही इस बात की खबर प्रशासन पहुंचने लगने पर तो जेसीबी मदद से शव को निकालने में जुट गई है, मगर वहीं पर एक शव को ही निकाल पाए हैं। अभी तीन शव अभी सेप्टिक टैंक के अंदर है। जहरीली गैस होने के लिए इसे बहुत ज्यादा सावधानी बरती जा रही है। जी, इसके बाद किस तरह से वहां पर व्यवस्था देखी जा रही है प्रशासन के द्वारा? क्योंकि जिस तरह से मतलब जहरीली गैस फुल तरह से फैल रहा है, तो वहां से ऐतिहासिक तौर पर सभी को वहां से हटा लिया गया है और जेसीबी की मदद से दूर से उसको निकालने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि किसी तरह से कोई भी और उस चपेट में न आए। और अभी एक शव जो शव निकाला गया है वो तो नगर पंचायत कर्मचारी का ही शव है, जिसे पहचान कर ले गई है। अब बाकी तीन शव वही है, इसे निकालने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए न्यूज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये बड़ी खबर है मुंगेली से, जहाँ पर गैस रिसाव से चार लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है।